और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चीन के साइबर हैकिंग से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर चीन के हैकर्स का हमला। यह बड़ी खबर, भारत की दो वैक्सीन कंपनियों पर हैकर्स का हमला सामने आया है। चीन की कंपनी APT10 ने साइबर हमला किया है। रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक पर साइबर हमला, रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। CERT चीन के हैकर्स की जांच कर रही है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। तो जिस तरह से भारत में वैक्सीन को लेकर एक कामयाब पहल की गई, दुनिया भर में वैक्सीन के जरिए भारत एक नई कोशिश कर रहा है दुनिया में अब अपनी पहचान बनाने को लेकर, और पूरे देश में वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रहा है, चीन को ये फूटी आंख नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में डिप्लोमेटिक तौर पर देखें तो भारत की तारीफ हो रही है। दुनिया भर के जो छोटे देश हैं, हिंदुस्तान ने मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई है, जिससे कि जो चीन की नीति है अपनी वो प्रभावित हो रही है, जिससे खींच कर अब ये कदम चीन की तरफ से है।